जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ड्रॉप मोस्ट पॉपुलर ऐसे सिरप्स के बारे में जानकारी देंगे, कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जो आपने कभी ना कभी देखी भी होंगी, और आप एक डॉक्टर हैं तो आपने कभी ना कभी वो अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब दी होंगी। तो बताएंगे कि आज की वीडियो में कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी सिरप, कौन सा ड्रॉप्स किस समय कौन से टाइम इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उसको लेने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं कोल्ड माइंड, जो आप देख रहे हैं ये कोल्ड माइंड है, ड्रॉप है, और ये फॉर पेडियाट्रिक यूज यानी कि बच्चों के इस्तेमाल के लिए है ये। और इसके साल्ट की बात करें तो इसके अंदर 125 mg पैरासीटामोल और फेनोलेफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg और क्लोरोफ्लामीन होता है इसमें 1 mg। अब इसकी कंपनी की बात करें तो ये एक लीफोर्ड कंपनी का है, ब्रांड कंपनी का है। और MR की बात करें, इसकी MRP कितनी है, तो 70 रुपये की MRP है इसकी। और इसकी कार्य की बात करें तो बच्चों में खांसी, नज़ला, जुखाम, बुखार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसमें बात करें कि कितने साल के बच्चों को कितना दे सकते हैं, तो आपका बच्चा अगर मान लीजिए 6 महीने का है, तो आप दो दो ड्रॉपर भर के, जो इसके अंदर एक पिचकारी ड्रॉप्स निकलता है ड्रॉपर, वो दे सकते हैं। बाकी आप अपने फिजिशियन से संपर्क कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जीनोवैक्स ड्रॉप्स। जीनोवैक्स ड्रॉप्स अब बात करें इसकी साल्ट की, तो इसके क्या साल्ट होता है, तो इसके अंदर मल्टीविटामिन ड्रॉप्स होता है, जो मल्टीविटामिन्स और मीकोवालामीन इसका साल्ट होता है। इसके अंदर 1000 AMU विटामिन्स होते हैं। अब इसकी MRP की बात करें तो 55 रुपये की MRP है इसकी, लेकिन ये आपको मेडिकल स्टोर पे 30 से 40 रुपये का मिल जाता है। ये एक जेनी कंपनी है, जो जैन लैब्स का है, और बाकी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ये बच्चों में एनीमिया, खून की कमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे बहुत ही ब्रांडेड सिरप के बारे में, जिसका नाम आप देख रहे हैं कालपोल। कालपोल 120 mg, और कंपनी की बात करें तो ये गैलेक्सो कंपनी का होता है। और इसके अंदर अगर डोज नापें तो इसके अंदर सारा लिखा हुआ था। अगर बच्चे का वेट 10 से 10 kg का है, तो उसको 6 ml, और 11 से 12 तक है तो 6.5, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं तो इसमें दिया हुआ है। और इसकी MRP की बात करें तो ये 39 रुपये की MRP का आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। और गैलेक्सो एक ब्रांडेड कंपनी है, तो ये आपको MRP से 1-2 रुपये ही कम मिलेगा, बाकी आपको MRP पे ही मिल जाएगा। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है फीवर, बच्चों में फीवर के लिए, खांसी, नज़ला, जुकाम के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे हम बात करेंगे एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक में आप देख रहे हैं मॉक्स सस्पेंशन 125 mg, तो एमोक्सिसिलिन इसका ओरल सस्पेंशन होता है। और इसकी साल्ट की बात करें तो इसमें एमोक्सिसिलिन 125 mg होता है। और MRP की बात करें तो 27 रुपये की MRP पे होता है ये। और बात करें कब यूज किया जाता है, तो ये वो खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार में एंटीबायोटिक्स है, उस समय ये यूज किया जाता है। अब बात करेंगे हम कैम कोल्ड की। कैम कोल्ड प्लस के अंदर क्या साल्ट है पहले जान लीजिए। तो कैम कोल्ड प्लस के अंदर जो है पैरासीटामोल, फेनिलेफ्रीन, हाइड्रोक्लोराइड, सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड सस्पेंशन होता है। अब कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में ये देख लेते हैं। तो इसके अंदर 125 mg पैरासीटामोल और फेनिलेफ्रीन इसके अंदर 5 mg और सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg होता है। यानी कि ये खांसी, नज़ला, जुखाम में बहुत ही अच्छा कारगर होता है। और MRP की बात करें तो इसकी 75 रुपये MRP होती है। और कंपनी की बात करें तो मैक्सकेम हेल्थ केयर PVT LTD कंपनी का है। तो ये आपके बच्चे में जैसे कॉमन कोल्ड, कोशिंग, फीवर आदि में, यानी कि खांसी, नज़ला, जुखाम, बुखार में यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो आपको अगर डोज की बात करें तो आपका बच्चा अगर 1 ईयर्स का है, तो आप उसको 2 ml TDS भी दे सकते हैं, बाकी आप BD इसका इस्तेमाल करें। आगे हमारा आता है कोल्ड टाइम। कोल्ड टाइम की कंपनी की बात करें तो ये लैबरेट कंपनी का होता है। और MRP की बात करें तो इसकी 76 रुपये की MRP है। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अब इसकी भी साल्ट की बात करें क्या क्या है इसके अंदर, कौन सी चीज़ कितनी पावर में है। तो 125 mg पैरासीटामोल और फेनिलेफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg, सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg इसका
साल्ट है, और ये भी बच्चों में खांसी नज़ला बुखार में बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है, तो इसका ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो अगर आपके बच्चे को कोई भी खांसी नज़ला जुकाम बुखार है, या आपके पास कोई पेशेंट ऐसे आते हैं, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे ओफ्लोक्यूम एम सस्पेंशन, इसकी साल्ट की बात करें तो इसमें ओफ्लोक्सिन, मेट्रोनिडाजोल, बेंजुनेट, सेमिथोकोन ओरल सस्पेंशन, यानी कि इसके अंदर जो है 50 mg ओफ्लोक्सिन है, और मेट्रोनिडाजोल जो है 120 mg है, और सेमिथोकोन 10 mg है। तो ये क्या होता है, जैसे बच्चे को लेटरिन आती हैं, दस्त डायरिया हो जाता है, तो उस समय इसका यूज किया जाता है। और ये ईमिल फार्माक्यूटल कंपनी का है, 75 रुपये की MRP है, 30 से 40 रुपये का मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, क्योंकि ये एक जेनेरिक है। तो ये बच्चों में बहुत ही अच्छा होता है। अब यूज की बात करें तो ये आपका बच्चा अगर 6 महीने का है या 1 साल का है, तो आप उसको 2 ड्रॉप दे सकते हैं। बाकी बच्चे के वेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बच्चा कमज़ोर है तो आप देखेंगे उसको, ये मैं अपने स्तर से बता रहा हूँ, तो आप पेशेंट का वेट बा एज देख करके इस्तेमाल करें। आगे हम बात करेंगे एस्कोड्रिल LS जूनियर की, लिबोसाल्बुटामोल सल्फेट एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड एंड गिफनिन एक्सपेक्टोरेंट है ये। तो यूज की बात करें तो ये खांसी नज़ला जुकाम बुखार में बहुत अच्छा यूज होता है इसका। खांसी जो बलगम वाली होती है, बच्चे खर खर करते हैं, नमूनिया होता है उसमें। साल्ट अगर इसमें अंदर कितनी पावर में कितनी mg है, तो लिबोसाल्बुटामोल 0.5 mg, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, और गिफनिन इसका 50 mg होता है। अब बात करें ये कब दिया जाता है, तो ये बच्चों में जो नमूनिया होता है या बलगम आ जाता है या पसलियाँ चलती हैं, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बलगम को हटा के लेटरिन के रास्ते से बाहर निकलता है, ब्रोंकियोलिटिस म्यूकोलाइटिस, तो ये बच्चों में बहुत अच्छा यूजफुल है। अब इसकी डोज की बात करें तो अगर बच्चा आपका 2 ईयर्स का है, तो आप उसको 2 ml TDS या BD दे सकते हैं, बाकी आप बच्चे की कंडीशन देखें उसके हिसाब से ही दें उसको। आगे हम बात करेंगे, बहुत ही फेमस सिरप है आपका चुप, तो चुप को आपने बहुत मेडिकल स्टोर पे भी देखा होगा, लेकिन आप इसकी पावर जानेंगे आज। तो चुप की अगर साल्ट की बात करें तो टर्बुटलिन सल्फेट ब्रोमजिन हाइड्रोक्लोराइड गिफनेट इसका साल्ट है, और इसकी MRP की बात करें तो ये 58 रुपये की MRP पे आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। और कब यूज किया जाता है ये, तो इसका ये यूज है बच्चों में खांसी, बलगम वाली खांसी है या सीने पे खरखर है, उस समय यूज किया जाता है। एबोट कंपनी का होता है ये। आगे हम बात करेंगे आपको बहुत ही ब्रांडेड सिरप और ड्रॉप्स की, जो T98 का होता है। ये एक सस्पेंशन है जिस जो मैनकाइंड कंपनी का होता है, और इसकी साल्ट की बात करें तो पैरासीटामोल इसका साल्ट है सस्पेंशन। कितने mg इसमें पैरासीटामोल, तो 100 mg है। तो आपको बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, या आप कोई पेशेंट डॉक्टर हैं तो पेशेंट को आप जो है, अगर बच्चा 1 साल का है तो उसको 3 ml TDS दे सकते हैं, बाकी उसकी कंडीशन देख करके आप इस्तेमाल करें। फिर बात करेंगे अगर बच्चे के पेट में दर्द है, या उसको लेटरिन आती है ज़्यादातर पेट में, ऐठन मरोड़ रह रही है, तो उस समय क्या है, एंटीस्पास्मेटिक एंड इंट्रा एंटीफ्लोटुलेंट है ये। और साल्ट की बात करें तो डी साइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड एक्टिवेट डेमेथिकुजोन इसका साल्ट है। और MRP की बात करें तो ये 47 MRP का है, और इसमें थोड़ी दिक्कत है, एस्कोरिक्स है इस कंपनी का है, ये एस्कोरिल लाइफ केयर कंपनी का है, और ये जो है पेट दर्द में बहुत अच्छा कारगर है बच्चों के लिए। तो आप कोई भी दवाई खरीदते समय उसकी MRP और उसका जो है एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। तो अब बात करेंगे हम एंटीबायोटिक की, तो जूरासेफ ड्राई सस्पे सीरप, इसमें सीफेक्जिम साल्ट होता है इसका, और कितनी पावर होती है इसके अंदर, तो 50 mg सीफेक्जिम होता है, और एक सूखा पाउडर होता है इसके अंदर। ये एक एलकेम कंपनी का ब्रांड कंपनी का, MRP की बात करें तो 48 रुपये की MRP है। तो आप कोई भी दवाई खरीदते समय उसकी MRP और उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। तो ये भी खांसी नज़ला जुखाम बुखार में एक एंटीबायोटिक है, इसका यूज किया जाता है, बहुत अच्छा इसका पावरफुल है। आगे हम बात करेंगे कालपोल गैलेक्सी कंपनी का ये ड्रॉप है, पेरेड्रिक यूज यानी कि छोटे बच्चों में यूज किया जाता है, 100 mg इसके अंदर कालपोल है, और ये सनसेट येलो यानी इसका जो कलर है वो सनसेट येलो है, और इसके अंदर जो ड्रॉपर होता है वो बच्चे की एज के हिसाब से उसको ड्रॉपर से
पिचकारी से दे सकते हैं। अब कितना क्या दें, अगर बच्चे का जो वज़न है केजी में 3 किलो का है तो 0.4 यानी कि बूंदों के हिसाब से दें आप उसको। 9 से 10 किलो का है तो आप 1.3 ml TDS उसको दे सकते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो ये गैलेक्सो कंपनी का है और इसकी MRP दिखाएं आपको, तो इसकी MRP जो है 30 रुपये की MRP को आपके 30 रुपये की MRP को आपको मेडिकल स्टोर पर ही मिल जाएगा। आगे हम बात करेंगे बहुत कारगर बहुत बढ़िया ज़्यादा बिकने वाला ड्रॉप्स है, जुकामीन कोल्ड ड्रॉप्स। तो नाम से ही आप समझ रहे होंगे कोल्ड ड्रॉप, कप कोल्ड यानी कि खांसी नज़ला जुकाम में इस्तेमाल किया जाता है। फेनिलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफिरामीन मिलेट इसका साल्ट होता है। कितने mg है इसमें, तो जो आपका फेनिलएफ्रिन है वो 2.5 mg है और क्लोरोफिरामीन इसका 2 mg। तो ये बच्चों में अगर खांसी नज़ला जुकाम ज़्यादा है तो उस समय इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी की बात करें तो ये LKM कंपनी का है और MRP की बात करें इसकी तो इसकी MRP जो है 48 रुपये की MRP में। आगे हम बात करेंगे एसकोलकेम प्लस यानी कि जो आप देख रहे हैं एसिसोकोकेम प्लस यानी कि इसका जो साल्ट है वो एसिकोलोफेनस पैरासीटामोल सस्पेंशन है। और इसकी डोज की बात करें तो कितने mg क्या है, तो इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं तो इसके अंदर जो है 125 mg पैरासीटामोल है, 50 mg एसिकोलोफेनस है। और इसकी अगर MRP की बात करें तो ये 45 रुपये की MRP पे आपको मेडिकल में मिल जाएगा। और अगर इसकी कंपनी की बात करें तो इसका मैक्स कैम कंपनी का है। तो बच्चों में जो आपके 2 साल से एज बड़े बच्चा है तो आपको उसको 3 ml BD दे सकते हैं जिससे उसके शरीर में दर्द और बुखार को बहुत अच्छा कारगर ये होता है। आगे हम बात करेंगे एम्ब्रोक्सल LS जूनियर की। अगर इसकी साल्ट की बात करें तो एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड लिवोसाल्बुटामोल सल्फेट ग्रुफिनेट ग्यूफिनसिन सिरप है और कब यूज किया जाता है, तो इसमें लिख रहा है मल्टीकोलिटिक्स एस्पेक्ट्रिन यानी कि जो नमूनिया वगैरह हो जाता है बच्चों को या खरखर करते हैं कहते हैं डॉक्टर। तो बात करेंगे बर्न आउट में क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं एल्बिंडाजोल ओरल सस्पेंशन। बर्न माने होते हैं कीड़े, जो आपकी बच्चे होते हैं तो उनके हाथों में कीड़े हो जाते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए कीड़ों को रिमूव करने के लिए ये सस्पेंशन आता है, इसमें एल्बिंडाजोल होता है। और इस पे लिख रहा है आप देख सकते हैं सिंगल डोज, ये सिंगल डोज होती है यानी कि एक चिल्ड को एक बच्चे को एक ही CC पूरी पिलाई जाती है। अब इसकी कंपनी की बात करें तो पैसी फिक मेडिकल PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और MRP आप देख सकते हैं तो ये 19 रुपये की MRP पे आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे ये जो डोज देनी है आपको तो वो कितने बड़े बच्चे को आप सिंगल डोज देनी है, तो डोज आपकी लिख रही है अबाउट एंड चिल्ड्रन ओवर 2 ईयर्स 10 ml सिंगल डोज इन ट्रांसलेशन। जो आपका बच्चा है अगर वो 2 साल से बड़ा है तो उसको आप पूरी 10 ml इसमें निकलती है तो ये आप पूरी दे सकते हैं, अगर आपको बच्चा छोटा है तो आप इसको पूरी नहीं दें। इसके अंदर 200 mg एल्बिंडाजोल की मात्रा पाई जाती है जो आपके बच्चे के पेट में पहुंचने के बाद में कीड़ों को रिमूव कर देती है और रात को सोते समय मीठे दूध से ये पिलाई जाती है। आगे हम बात करेंगे कुछ और ड्रॉप्स के बारे में। तो आगे हमारा आता है बीटानोवा 30 ml की ये पावर होती है इसकी। और इसकी साल्ट की बात करें तो इसमें बेट्रामेथासोन सोडियम फास्फेट होता है, ओरल ड्रॉप्स होता है। अब यूज की बात करेंगे इसकी तो इसका यूज होता है बच्चों में एलर्जी खुजली दाने में इस्तेमाल किया जाता है। और MRP आप देखें इसकी तो 32 रुपये की आपको MRP मिल जाएगा। तो ये एलर्जी खुजली के लिए बच्चों के लिए बहुत ही कारगर बहुत अच्छा होता है। आगे हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट और बहुत ही बढ़िया ड्रॉप्स की, जो कैल्शियम D3 कैलफुल D3 जिसमें विटामिन D3 कोलिसेल्फ्रोल ड्रॉप्स होता है, 30 ml का होता है ये भी। और इसकी MRP की बात करें तो 65 रुपये की आपको मिल जाएगा और लाइव विजन हेल्थ केयर का ये है। और इसके अंदर जो बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, दांत मसूड़े फूल रहे होते हैं उस लिए उस समय इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं विटामिन D3 जो है 800 AU है इसके अंदर, तो बहुत अच्छा ये कारगर है। तो बच्चों में अगर दांत वात निकल रहे होते हैं तो उस समय ये इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे बहुत ही अच्छा और
बच्चों के लीवर या पीलिया या जॉइंटिक्स में इस्तेमाल होने वाला ड्रॉप्स, तो जैसे आप देख रहे हैं हेप्टामेश डीएस, तो ये बेबी सीरप है, 30 ml का है। और इसमें बात करें तो ये एक आयुर्वेदिक है, इसके अंदर सारा कुछ लिख रहा है, दालचीनी, त्रिफला, सेमरोल, कबाब चीनी, सारा कुछ इसमें आप देख सकते हैं, काफ़ी साल्ट होते हैं इसके। तो अगर इसकी बात करें MRP की, तो 50 rupees की MRP पे आपको ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, और RHD कंपनी का है, RHD फार्माक्यूटल्स। तो ये अगर आपको बच्चा 1 year से यानी कि 1 साल का है, तो आप दो दो ड्रॉपर यानी कि 2-2 ml इसको BD दे सकते हैं। बाकी आप फिजिशियन के हिसाब से भी उसको इस्तेमाल करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे बहुत ही अच्छा और पावरफुल सिरप के बारे में। तो जैसा आप देख रहे हैं HB Fort की अगर कंपनी की बात करें, तो ये लीफोर्ट कंपनी का होता है। और MRP की बात करें तो 125 rupees की MRP पे आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या साल्ट होता है, तो फेरिक अमोनियम सिट्रेट, साइनोक्लोवालमीन, फोलिक एसिड, यानी कि जो नसों में प्रॉब्लम होती है, कमजोरी, वीकनेस, खून का दौरान कम होना, उसलिए ये जो है बहुत अच्छा कारगर होता है। और बहुत अच्छा ये सिरप है, 200 ml का है, तो ये भी आप कमजोरी वीकनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात करेंगे सीमोलिव, तो जो सीमोलिव है ये एक लीवर टॉनिक सिरप है, जिगर, तिल्ली, पीलिया, तो जैसे जिगर बढ़ जाता है, तिल्ली जिसको बोलते हैं, या पीलिया हो जाता है, तो उस समय ये इस्तेमाल की जाती है। ये एक आयुर्वेदिक सिरप है, और अगर इसकी बात करें MRP की, तो ये आपको 115 rupees की MRP हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। सनवेरिया कंपनी का है ये, और जॉइंटिक्स, पीलिया या खून की कमी में, लीवर में भूख बढ़ाने में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। और आगे हम बात करेंगे हंगरी, तो हंगरी जो है आप समझ रहे होंगे हंगरी भूखा, तो जिस बच्चे को या बड़े को भूख नहीं लगती है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी साल्ट की बात करें तो साइप्रोहेप्टाडाइन, ट्रिकोलिन, सिट्रेट, सर्बिटोल होता है इसके अंदर। तो इसमें जो साइप्रोहेप्टाडाइन 2 mg है, और बाकी ट्रिकोनर सिट्रेट सोडियम जो है 275 mg है। और इंडिकेशन फैटी लीवर, हेप्टोबिलियर, कॉर्निया, डिसेप्लिया या एनोरेक्सिया, उस समय जो है इस्तेमाल किया जाता है ये। और बाकी इसकी MRP की बात करें, तो ये आपको 178 rupees की MRP पे मिल जाएगा। इन्वेंटिव कंपनी का है ये, और बहुत ही अच्छा इसका भूख बढ़ाने में रिजल्ट होता है। अब आगे हम बात करेंगे रेनटेक, तो रेनिटेक क्या है ये, इसके अंदर रेनिटाडाइन जो जिनटेक होती है आपका, उसी का साल्ट है, 75 mg है। और यूज की बात करें इसकी, तो ये जैसे अब किसी पेशेंट को लैट्रिन नहीं आती है, पेट में जलन, एसिडिटी, कब्ज, उस समय ये इस्तेमाल किया जाता है। MRP की बात करें तो ये आपको 120 rupees की MRP में मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। जेनिक है, तो इसलिए ये आपको 70-80 rupees का ही मिल जाएगा। और निकोलस लाइफ साइंस कंपनी का है ये। और आगे हम बात करेंगे बहुत ही अच्छी और बच्चों के लिए भूख बढ़ाना या डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने वाली नेप्टीपेयर ड्रॉप्स की, अगर इसकी बात करें क्या साल्ट होता है इसमें, तो सर्मिटिव मेड्रेट विद डाइजेस्टिव एंजाइम, जो भूख कम लगती है बच्चों को या डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब रहता है उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। 75 rupees की MRP है, और सन लाइफ कंपनी का है, 30-40 rupees का आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। जेनिक आइटम है ये भी। आगे वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जेनिक एथिकल या ओरिजिनल लोकल को कैसे पहचाने। आगे हम बात करेंगे हेप्टाटीस लीवर के सिरप है, और ये जैसे पीलिया, भूख कम लगना आदि में इस्तेमाल की जाती है, और इसके अंदर 20 tablets भी निकलती हैं, तो बहुत अच्छा ये सिरप है भूख बढ़ाने के लिए। और फिर हम बात करेंगे बहुत ही पावरफुल और बढ़िया सिरप, लुपिन कंपनी का है आपका, हेप अप फोर्ट है, और इसके अंदर आयरन विद फोलिक एसिड के साथ है ये, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, 188 rupees की MRP पे मिल जाएगा। और कंपनी की बात करें लुपिन का, और यूज कैसे करना है ये, तो इसको 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है, तो वो 2-2 चम्मच BD सुबह शाम इस्तेमाल करें, जिससे उसको भूख बढ़ जाएगी, कमजोरी, चक्कर
आयरन की कमी, होमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है, और बहुत ही मोस्ट पावरफुल सिरप की बात करेंगे अब हम, तो वो है आपकी लिवोमिन, लिवोमिन सिरप कंपनी की बात करें तो चरक कंपनी का ये 136 रुपये की MRP आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। और लीवर फैटी या भूख कम लगना, पी लिया जॉइंटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर। आगे हम बात करेंगे सुखी अच्छा जीवन केयर, तो ये एक काढ़ा कहते हैं जो डिलीवरी के बाद इस पर लिख दिया जाए, ये यूनिक आफ्टर डिलीवरी सिरप, यानी कि जो महिलाओं को बच्चा पैदा होता है उसके बाद ये दी जाती है सुखी जच्चा जीवन केयर। जो बच्चा जब कोई महिला की डिलीवरी होती है तो उसके अंदर जो कचरा होता है तो वो इससे बाहर निकल जाता है, और उपयोग विधि भी लिख रही है इस पर। सुखी जच्चा जीवन की रब स्त्रियों के गर्भावस्था शिथिलता दूर का प्रसव प्रदान गर्भावस्था संचोक गर्भाशुद्धता प्रसव रुका हुआ मैला साफ करने के लिए आवश्यक है। परहेज क्या है इसका, परहेज भी साफ साफ लिखा हुआ है, खटाई मिठाई तेल आदि चीज़ें कम लेनी है, और 105 रुपये की MRP को आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है, ये महिलाओं को खुलकर पीरियड भी कर देती है, और एक आयुर्वेदिक है ये एन आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ मेडिसिन। इसके अंदर गजर बीज, नर्मदा, मोठा, अजमोट, सितारी, पीपला आदि, यानी कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। और आगे हम बात करेंगे रक्त शोधक, खून में एलर्जी, इन्फेक्शन, दाने निकलना, चेहरे पे कील, मुहासे आदि के लिए बहुत ही यूजफुल और बढ़िया सिरप है रक्त शोधक, जो एक आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक सिरप है। तो ये एंथामोल, गिलोय, चौचनी, देवदार आदि चीज़ों से मिलकर बना है, ये फॉर पिंपल्स फ्री ग्लोइंग स्किन। और इसकी MRP की बात करें तो ये 120 रुपये की MRP को हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। सोवर फार्मेसी कंपनी का होता है ये, तो इसको महिला पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, चेहरे पे अनचाहे कील, मुहासे, दाग धब्बे चोक ख़त्म कर देती है। और आगे हम और बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया और रिजल्ट पावरफुल पाउडर परादर नाशक चूर्ण। तो परादर नाशक चूर्ण जो होता है ये क्या काम के लिए होता है, तो महिलाओं में प्रसव पीड़ा के बाद रक्तस्रावत यानी कि लिकोरिया आना, कमर में दर्द रहना, चिड़चिड़ापन, आंखों के नीचे काली झाइयाँ, यानी कि महिलाओं के अंदरूनी रोगों के लिए बहुत ही असरदार होता है ये पाउडर। और ये कैसे खाना, तो ये सुबह शाम 10-10 ग्राम ताज़ा पानी से इस्तेमाल करना है। और इसकी MRP की बात करें तो 160 रुपये की MRP का है, बेल केयर रेमिडीज़ का होता है, तो इससे जो है महिलाओं के अंदरूनी जो भी प्रॉब्लम होती है वो इससे ठीक हो जाती है। तो आज की वीडियो में हमने आपको इतने सारे जितने भी आप देख रहे हैं इस सब के बारे में जानकारी देंगे, जो रह गए हैं उनकी और बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें आप। और फिर आता आपका जॉइंट, अगर आपके हाथ पैरों में या जॉइंट में कहीं भी दर्द है तो उसके लिए तेल की बात करें तो जॉइंट केयर ऑयल, अगर इसकी बात करें तो ये एक आयुर्वेदिक ऑयल है, और बेल केयर रेमिडीज फार्मा कंपनी का होता है ये, और 110 रुपये की MRP का आपको मेडिकल पे मिल जाएगा। आपके शरीर में जोड़ में कहीं भी दर्द हो, लंप पेन, थंब पेन, हैंड पेन, फिंगर पेन, बैक पेन, यानी कि लाठी डंडा चोट फेंट गुम चोट का दर्द, उसको ये बहुत अच्छी फास्ट क्रिया करके खींच लेता है। और जेल की बात करें पेन के लिए तो रैपिड हॉट जेल, अब इसमें हॉट जेल आया है, तो हॉट जेल का मतलब होता है ये लगाने के बाद खुद ऑटोमेटिक आपके शरीर को गर्म कर देते हैं, जिस हिस्से पर लगाते हैं आप, तो सिकाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी साल्ट की बात करें तो डाइक्लोफेनस, डेथलेमीन, बार्जिन, लेजर्ट ऑयल, मैंथोल, मैथिल सेल्सिलिक कैप्सिन जेल होता है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। तो ये भी दर्द के लिए होता है, बैक पेन, घुटने में दर्द, कंधे में दर्द या मोच का दर्द, उसके लिए है। माइक्रो कंपनी का है, ब्रांड कंपनी है माइक्रो। और इसकी बात करें MRP की तो 98 रुपये की MRP पे आपको मेडिकल पे मिल जाएगा, बाकी आपको 40-50 रुपये का ये मिल जाता है। फ्रेंड आज की वीडियो में हमने आप जो वीडियो में देख रहे हैं सारे सिरप, ड्रॉप्स, सस्पेंशंस के बारे में आपको बताया, तो आगे भी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन सबसे तेज़ पाने के लिए हमारे
बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं आगे नई वीडियो में।